प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत जीएस घुरिए के विचारों को पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वर्ग तथा उसकी भूमिका, क्लास एंड इट्स रोल। घुरिए ने वर्ग का महत्व, विशेषताएं, भूमिका, गतिशीलता, निर्णायक कारकों आदि का विवेचन जाति के संदर्भ में किया है। घुरिए ने स्पष्ट किया है कि जाति की भांति वर्ग व्यवस्था भी अगतिशील और विवाह आदि से संबंधित प्रतिबंधों से युक्त प्रथा रही है। घुरिए का कहना है कि प्रचलित ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था का विकास पूर्ववर्ती सामंतीय ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था से हुआ, जो यूरोप में सामान्य रूप से विद्यमान थी और सैद्धांतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास के हिंदू युग के अंत में जो जाति व्यवस्था थी वह बहुत कुछ उसके जैसी ही थी। यह इस प्रकार से है। ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था। सामंतीय समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ग 3 से लेकर 12 प्रकार के थे। अधिकतर इनकी सामान्य संख्या 4 थी। नंबर 1 सरदार, नंबर 2 पादरी, नंबर 3 स्वतंत्र कृषक, नंबर 4 भूदास। सामंतीय प्रथा भूमि एवं सामाजिक पद दोनों के लिए कानून के रूप में थी। जाति व्यवस्था में भू धारणाधिकार का तत्व नहीं था। जाति के प्रारंभिक काल में समाज में ब्राह्मण सर्वोच्च थे, वहीं यूरोपीय वर्ग समाज में योद्धा या सरदार, जो क्षत्रिय के अति रूप थे, पहले स्थान पर थे। सामंतीय समाज का विभाजन तथा भेदभाव धार्मिक आदेश से रहित था, जबकि जाति व्यवस्था में धर्म प्रधान तत्व था। यही इन दोनों व्यवस्थाओं में प्रमुख अंतर रहा है। पादरी समाज के सभी वर्गों से भर्ती किए जाते थे। पादरी कुंवारे रहते थे और अविवाहित ही मरते थे। सामंतीय वर्ग की सदस्यता अन्य वर्गों के लिए प्रतिबंधित थी, जो जातियों के जैसा ही बंद वर्ग था। पादरी वर्ग सामाजिक गतिशीलता प्रधान था, जो जाति से भिन्न था। क्षत्रियों में अनेक बार ब्राह्मण से उच्च पद प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में क्षत्रियों को ब्राह्मण के बाद वाली श्रेणी से ही संतोष करना पड़ा। दूसरा अंतर यूरोपीय वर्ग समाज और जाति समाज के मध्य संख्या का है। वर्ग समाज में समूहों की संख्या बहुत ही कम थी तथा इनकी श्रेणीबद्धता तथा वरिष्ठता जाति समाज की अपेक्षा बहुत कम जटिल थी। प्रारंभ में विभिन्न वर्गों के सदस्य एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे। निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह होने पर उस पत्नी को पति के वर्ग का व्यवहार प्राप्त नहीं होता था। उनकी संतानों को निम्न वर्ग में जाना पड़ता था। ये विशेषता जाति व्यवस्था जैसी ही थी। वर्ग व्यवस्था में सरदार लोगों का कर्तव्य रक्षा करना, पादरी का सबके लिए प्रार्थना करना तथा सामान्य जनों का कर्तव्य जाति व्यवस्था के शूद्रों की भांति सबके लिए अनाज उत्पन्न करना था। किसी भी व्यक्ति के लिए अपना वर्ग परिवर्तन करना मूर्खता मानी जाती थी। वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन या सर्वश्रेष्ठ सामाजिक रूपांतर महारानी एलिजाबेथ काल के मध्य दिखाई देता है। वाणिज्य का विकास तथा कस्बों की उन्नति ने लोगों के नवीन वर्ग पैदा कर दिए। ये वर्ग व्यापारियों, शिल्पकारों और श्रमिकों के थे। नवीन वर्गों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ग सौदागरों तथा व्यापारियों का था। ये भद्र वर्ग की प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आकांक्षा रखते थे और प्रायः उसको प्राप्त कर लेते थे। घुरिए के अनुसार व्यापारी, सौदागर, ठेकेदार, बैंक, बैठक संचालक, वित्त प्रबंधक और आगे चलकर निर्माता, उद्योगपति या फैक्ट्री के स्वामी, ये सब मिलकर पूंजीपति वर्ग की रचना करते हैं। मूल रूप में ये मध्यम वर्ग के नाम से प्रसिद्ध थे। कृषि संबंधी रूपांतर एवं औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश समाज के वर्ग रचना ने उल्लेखनीय परिवर्तन प्रदर्शित किया। श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ गया था तथा वह समाज के अन्य विभागों से, विशेष रूप से नियोजक वर्ग में अधिकाधिक रूप से पृथक हो गया। डिज़राइली ने ब्रिटिश समुदाय को दो राष्ट्रों यानी संघर्षों के लिए समृद्ध धनी और निर्धन लोगों से निर्मित बताया। घुरिए का मत है कि इसके बाद ही मार्क्स और एंजल्स ने अपने दो वर्गों तथा उनके संघर्षों के संबंध में विचार प्रकट किए। घुरिए के अनुसार वेतन भोगी लोगों और मजदूरी कमाने वाले श्रमिकों में भेदभाव वही है जो वेतन और मजदूरी के मध्य है।
वेतनभोगी कार्यकर्ता होने के कारण किसी भी व्यक्ति को श्रमिक वर्ग से पृथक होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि श्रमिक वर्ग की कसौटी मजदूरी के लिए कार्य करना तथा हस्त कार्य करना है। जब कस्बों की बढ़ोतरी से व्यापारी, सौदागर और शिल्पकारों के नवीन वर्गों का उदय हुआ, तो श्रेणीबद्ध समाज में उसकी उचित स्थिति तथा उनकी उपाधि के विषय में कुछ गड़बड़ या कम से कम हिचकिचाहट तथा भ्रम विद्यमान था। समय व्यतीत होने पर शिल्पकारों ने कच्चे माल तथा उन्हें तैयार वस्तुएं तथा उनमें परिवर्तित करने के साधनों पर नियंत्रण खो दिया और वे अपनी विशिष्टता को भी श्रमिकों या मजदूरी कमाने वालों के सामान्य जनसमूह में खो बैठे। इसी काल में व्यापारी, सौदागर और ठेकेदार समृद्ध हो गए तथा इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई। प्रत्येक मोड़ पर उनमें से ये लोग एक संख्या में भद्रलोक यानी उच्च वर्ग में आत्मसात हो गए, किंतु उनकी बहुत बड़ी संख्या पृथक रही और धनोपार्जन के कार्य में लगी रही। ग्रेटन ने इस वर्ग को मध्यम वर्ग की संज्ञा दी और घुरिये ने इसे ऐतिहासिक मध्यम वर्ग कहा। सभी आधुनिक राज्यों में सेवा की शर्तें अपने कल्याणकारी पक्ष के समय सभी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की ओर आगे बढ़ने में प्रवृत्त है। अभी कुछ ही समय पहले मलिन वस्त्रधारी सर्वहारा वर्ग, निम्न अनुक्रमों के क्लर्क, दुकानों के गुमास्तों तथा ऐसे ही अन्य लोगों ने अपने आप को संघों में संगठित कर लिया। सभी अनुक्रमों के अध्यापक समस्त पेशे की अपेक्षा शिक्षा के सोपान के अनुसार अपने अपने संघ बना रहे हैं। पेशेवर लोग तो प्रारंभ से ही संगठित हैं। अभी तक ऐसा कोई संघ नहीं है जो वेतनभोगी व्यवसायों को अपने में लाने का प्रयास कर रहा हो। बुद्धिजीवियों का कोई संघ नहीं बना है। बुद्धिजीवी लोग एक शताब्दी पूर्व की स्थिति की अपेक्षा बहुत ही भिन्न भिन्न समूहों में भी भर्ती किए जाते हैं, लेकिन ये सामाजिक व्यवस्था में अत्यधिक दृढ़ स्थिति रखते हैं। समाज के अन्य वर्गों में श्रमिक वर्ग का पृथक्करण बिल्कुल नवीन घटना नहीं है। इनका संघर्ष इतना तीव्र था कि एंजेल्स, जो मार्क्स के साथ वर्ग युद्ध की तैयारी में या श्रमिक वर्ग के द्वारा मध्यम वर्ग को गिराकर सत्ता हस्तांतरण करने के संघर्ष में विश्वास रखते थे तथा उसका समर्थन करते थे। निष्कर्ष में घुरिया ने वर्ग संघर्ष की समाज शास्त्रीय व्याख्याओं को प्रस्तुत किया। व्यक्तियों तथा समूहों के कुछ ऐसे हित हो सकते हैं जो सदृश होते हुए भी दूसरों के लिए सामान्य नहीं हो सकते। इनकी संतुष्टि के लिए प्रयास करने में प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह के मार्ग में कुछ कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। चूंकि प्रतिस्पर्धी बहुत होते हैं, यह प्रतिस्पर्धा की स्थिति है जो शीघ्र ही विरोध और उसके आगे संघर्ष का रूप ग्रहण कर सकती है, किंतु सभ्य समाज में ऐसी अनेक स्थितियां किन्हीं परंपरागत या कानूनी नियमों द्वारा तय की जा सकती हैं। घुरिये ने इस प्रकार से प्राचीन वर्ग व्यवस्था का विवेचन करते हुए वर्तमान में वर्गों के विकास और स्थिति का जाति व्यवस्था के संदर्भ में सार गर्भित पाठ्य परिदृश्य प्रस्तुत किया है। व्यवसाय। घुरिये ने अपनी कृति जाति, वर्ग और व्यवसाय में व्यवसाय के अनेक पक्षों की समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से विवेचना की है। इन्होंने जाति व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन करते हुए जाति का पांचवा लक्षण अप्रतिबंधित व्यवसायों के चयन का अभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इन्होंने वर्ग व्यवस्था शीर्षक के अंतर्गत लिखा है कि वर्ग व्यवस्था वाले समाज में व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण व्यवसाय और उससे प्राप्त आय से होता है। इन्होंने वर्ग व्यवस्था में व्यवसाय की भूमिका एवं महत्व पर सविस्तार प्रकाश डाला है तथा व्यवसायों के आधार पर वर्गों के निर्माण, उनमें परस्पर उच्चता निम्नता का क्रम, इनमें कालक्रमिक परिवर्तन का जो सार गर्भित वर्णन किया है उसे संक्षेप में उपयुक्त पृष्ठों में वर्ग व्यवस्था और वर्ग तथा उसकी भूमिका शीर्षकों के अंतर्गत दिया जा चुका है। व्यवसाय से संबंधित तथ्यों के अतिरिक्त घुरिये ने व्यवसाय तथा जाति के कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय संबंधी तथ्य जाति और वर्ग के संदर्भ में प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जाति अपने उद्गम में व्यवसायिक नहीं है।
19वीं शताब्दी के अध्ययनों के अनुसार इसके लक्षणों में केवल थोड़ा सा बंधन व्यवसाय के संबंध में था। नंबर दो, 19वीं सदी के प्रारंभ में यह कट्टर विश्वास भी था कि बहुसंख्यक जातियों में से प्रत्येक का अपना परंपरागत व्यवसाय था और सदस्यों का वंशानुगत व्यवसाय होता था जिसे त्याग देना अनुचित माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कार्य के सामाजिक मूल्यांकन का दूसरा स्वरूप कार्य या उससे संबंधित पदार्थ शुद्ध या अशुद्ध, पवित्र है या अपवित्र है को विशेष रूप से 19वीं शताब्दी से सामाजिक मूल्य का निर्धारक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पिछली शताब्दी तक व्यवसायों में कृषि को उत्तम माना जाता रहा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश प्रशासन के आगमन के बाद ही नौकरियों के अवसरों में निरंतर वृद्धि होती रही। ब्रिटिश काल में वेतन बहुत कम मिलता था तथा नौकरी लोगों के विकसित आत्मसम्मान से मेल नहीं खाती थी। नेक्स्ट, घुरिया ने व्यवसायिक समूह की रचना के तीन अनुक्रमों उच्च, मध्य और निम्न वर्गों का उल्लेख किया है। तीसरे निम्न वर्ग के लोगों में मानसिक श्रम करने वाले तथा शारीरिक श्रम करने वाले दोनों प्रकार के कार्यकर्ताओं के लक्षणों का मिश्रण मिलता है। इन्होंने वकालत के व्यवसाय को ब्रिटिश शासनकाल की देन बताया है। अन्य व्यवसायों इंजीनियर, भवन निर्माणकर्ता, डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, शिक्षक, क्लर्कों तथा अन्य अनेक व्यवसायों का इन्होंने वर्णन और मूल्यांकन किया है। इस संबंध में इनके निष्कर्ष इस प्रकार हैं। अध्यापन का व्यवसाय भारत में सदैव एक आदरणीय व्यवसाय के रूप में रहा। इंजीनियरों तथा भवन निर्माणकर्ताओं का कार्य भारत के प्राचीन तथा मध्य युगों के विशाल निर्माण कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन व्यवसायों में विशिष्ट जातियों के बाहर के लोग थे जो लकड़ी या पत्थर से संबंधित परंपरागत व्यवसाय करते थे। घुरिया ने उन व्यवसायों का वर्णन किया है जो भारतीय जाति समाज में विद्यमान थे तथा जो ब्रिटिश शासनकाल में विकसित हुए थे। घुरिया ने इंग्लैंड की 1951 की जनगणना को उस व्यवसायिक चित्र का वर्णन किया है जो भारत में जाति से वर्ग के परिवर्तन को समझने में सहायक है। इस जनगणना में से 13 व्यवसायिक समूहों का चयन किया गया है। डॉक्टर व चिकित्सकों का व्यवसाय ब्रिटिश शासनकाल में पूर्व भी भारत में विद्यमान था। घुरिया की मान्यता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया औद्योगिकरण तथा प्राविधिक प्रशिक्षण से जातियों की व्यवसायिक गतिशीलता में तेजी से वृद्धि हुई।